जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 29वां अध्याय, आंधी में परमेश्वर की आवाज। पहली आयत में लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का ही गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो। हम पढ़ रहे हैं आंधी में परमेश्वर की आवाज, और जो पहली आयत हमने पढ़ी है उसको एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देते हैं। हे यहोवा के पुत्रों, यहोवा का ही गुणवाद करो, और यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो। तो यहाँ पर जो परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं उन्हें यहोवा के पुत्र कहा गया है, अर्थात परमेश्वर की फैमिली का एक हिस्सा कहा गया है। यदि हम इस पहली आयत का रेफरेंस देखें तो वो हमें मिलता है भजन संहिता 96 उसकी 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत में। आपके लिए हम एक बार पढ़ देते हैं इसका रेफरेंस, भजन संहिता 96 अध्याय की 7वीं, 8वीं, 9वीं लाइन। 7वीं लाइन में लिखा है, हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। तो यहाँ पर भी जो कुल का मतलब होता है परिवार, देश देश के जो परिवार के, यहोवा के परिवार के जो लोग हैं वो उसका गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। 8वीं आयत बताती है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, और उस भेंट लेकर उसके आंगन में आओ। ऐसा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने देखा होगा कि हमारे घर में मेहमान आता है, एक मेहमान आता है तो उसकी हम आवभगत करते हैं, किसी दिन एक और आता है तो उसकी अलग टाइप से आवभगत करते हैं, किसी दिन वालों कहीं और विशिष्ट आ गया तो उसकी और ढंग से करेंगे। यानी जैसा मेहमान की समाज के अंदर जो रुतबा है या जिससे हम जितना प्यार करते हैं उसी के अनुसार उससे हम व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार से मान लो आपके गांव में कोई छोटा नेता आ गया तो उसका एक छोटा सा वो लगाएंगे, स्टेज लगाएंगे, थोड़ा सा एमएलए एमपी टाइप का आ गया थोड़ा और बड़ा लगाएंगे, और सपोज करो मुख्यमंत्री आना हो आपके गांव में तो बहुत बड़ा स्टेज लगेगा, और सपोज करो कि प्रधानमंत्री आना हो तो फिर सोचो कितना बड़ा स्टेज लगाएंगे। यानी जो जिस महिमा का, जिस इज्जत पाने का हकदार होता है, हमें उसी के अकॉर्डिंग है उसकी महिमा करनी है, उसकी इज्जत करनी है, उसके लिए भेंट लेकर आना है। अब ये तो हो नहीं सकता कि देश का प्रधानमंत्री आए और जैसा छोटा सा वो कोई जिला परिषद या कोई छोटे तबके का कोई छोटा सा मंत्री आए उसके लिए स्टेज लगाए वैसा ही प्रधानमंत्री के लिए लगाए, ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत बड़ा लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से हमें याद रखना है कि हम किस परमेश्वर के सम्मुख खड़े हैं, वो कितना बड़ा है, उसने धरती आकाश अंबर तारे और जो कुछ इस दुनिया में है सबको बनाया है। तो जो इतना महान और इतना पवित्र परमेश्वर है, जब उसके भवनों में आए, जब उसके आंगनों में आए, तो जैसी उसको महिमा चाहिए हमें वैसी ही उसकी महिमा, उसका आदर, उसका मान, उसका सम्मान करने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। नौवीं आयत बताती है, पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। पूरी पवित्रता के साथ हमें शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करना है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, सब पृथ्वी के लोग हैं वो कांपते रहें। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसकी दूसरी आयत से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने रेफरेंस देखा था इसका, हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 29वां अध्याय की दूसरी आयत। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभा मान होकर उसको दंडवत करो। तो ये बात भी यहीं पर देखने को मिल जाती है हमें इसकी दूसरी आयत में। एक बार फिर से लिखा है कि पवित्रता से शोभावान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। परमेश्वर की वाणी है, वो बादल बहुत ऊंचे होते हैं लेकिन उनके ऊपर भी वो सुनाई देती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है।
बताया गया है कि हमारा जो परमेश्वर है वो जो घने बादल है उनके ऊपर निवास करता है, अर्थात ऊंचाई के ऊपर निवास करता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रताप में है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबालोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लबालोन और सिरियोन को जंगली बछड़ों के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है। यहोवा की वाणी से हिरणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है, और उनके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। तो यहाँ पर बताया गया कि यहोवा परमेश्वर वो जब जल प्रलय आया वो उस समय भी था, विराजमान था, और यहोवा परमेश्वर आज भी विराजमान है और सदा काल तक राजा होकर विराजमान रहता है। अंतिम लाइन में लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 30वां अध्याय और वहां पर हम देखेंगे धन्यवाद की प्रार्थना। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, परमेश्वर आपको आशीष दे।